हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नवे वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज ऑप्टिकल ड्राइव। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहे। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्टिकल ड्राइव आखिर होते कैसे। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव जो है ना, हार्डवेयर डिवाइस है दैट रीड्स एंड राइट डेटा फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी। देखिए, जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ना, इस तरह से दिखते। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये दिखते थे। ये अभी तो नहीं, ये ज्यादातर पुराने जमाने में जो है 2010 से पहले जब ये चलते थे, मतलब वहां पे क्या होता था कि यूएसबी, जो अभी के लिए यूएसबी हम यूज करते ना, ये नहीं था। तो तब यही जो डिस्क ड्राइव थे, ऑप्टिकल डिस्क थे, यही हम यूज करते थे। सॉफ्टवेयर भी अगर आपको इंस्टॉल करना तो इसी डिस्क में आते थे, मतलब सॉफ्टवेयर भी इसी डिस्क में आते थे। और अगर आपको मूवीज वगैरह देखनी है वो भी इसी तरह डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क में आते थे। तो देखिए, अभी तो ये काफी पुराने हो चुके हैं, तब ये डेटा स्टोर करने के लिए यही यूज किए जाते थे। और इसमें क्या था कि बहुत साइज जो थी ना, वो बहुत कम आती थी, और इसे रीड करने के लिए कुछ इस तरह से डिवाइसेस लगते थे। मतलब इसे अगर हमें यूज करना है, इस तरह से प्लेयर आते, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर कहते थे इसे। तो यहाँ पे क्या था कि एक लेजर के जरिए इस पे डेटा रीड किया जाता था। मतलब जो अगर आपको मूवी देखनी थी तो वो क्या करता था, एक लेजर यहाँ पे भेजता था। ये जो प्लेयर था ना, लेजर के जरिए यहाँ पे डेटा हम रीड राइट कर सकते थे। उसकी की फीचर्स के बारे में देखेंगे इसके ऑप्टिकल डिस्क के, तो रीडिंग एंड राइटिंग, देखिए यहाँ पे कैन रीड डेटा फ्रॉम दी एंड राइट डेटा ऑप्टिकल, आप रीड राइट कर सकते थे। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आपको अगर सीडी में आप एक ही बार रीड कर सकते थे, मतलब एक ही बार रीड कर सकते थे, या कुछ डिस्क ऐसे आती थी आप एक बार इसमें डेटा डाल दिया तो फिर उससे आप उसमें दूसरा डेटा डाल नहीं सकते थे, कुछ इस तरह से आते थे। या फिर उसमें डिस्क बर्न नाम का एक कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे इसे डिस्क को बर्न करना पड़ता था, वो भी एक था। उसके अलावा फॉर्मेट की बात करें इसमें, तो डिस्क ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में क्या था कि सीडी आती थी, सीडी, उसके अलावा डीवीडी आती थी। देखिए यहाँ पे जो है, ये सीडी बताई हुई, यहाँ पे डीवीडी बताई हुई। क्या होता था, सीडी जो होती उसमें साइज बहुत कम थी। मान लो कि सीडी में ना तो एक ही मूवी यहाँ पे आती थी सीडी में, बाद में जो है डीवीडी आएगी, डीवीडी का जो फॉर्मेट है वो आ गया, तो उसमें क्या हुआ, लगभग 5-6 मूवीज बैठने लगी, इतना इसका स्टोरेज था। उसमें भी ये आप देख सकते हो, सी डी आर हो गया, आर डब्ल्यू हो गया, ये आर का मतलब रीड है, आर डब्ल्यू का मतलब रीड एंड राइट है, इस तरह से डीवीडी इसका जो है ये फॉर्मेट आ गया। उसके अलावा लेजर टेक्नोलॉजी थी, यहाँ पे क्या था कि लेजर बीम जो थी वो हम यूज करते थे, जो भी डेटा हमें रीड करना है, राइट करना है उसके लिए। और इसके लिए अब आपको जो है यहाँ पे देखिए, अवेलेबल एज ए इंटरनल ड्राइवर्स दैट फिट इन टू कंप्यूटर ड्राइव, और एज ए एक्सटर्नल ड्राइवर दैट कनेक्टेड वाया यूएसबी और अदर इंटरफेसेस। तो देखिए, ये इंटरनल भी आती थी और एक्सटर्नल भी आती थी। कुछ जो ड्राइवर्स थे इसके कंप्यूटर में लग के आते थे, वहां से फिट होके आते थे, बट कुछ हमें इस तरह से प्लेयर भी लगाने पड़ते थे, या फिर कुछ और तरीके थे जिसके जरिए हम ये यूज कर सकते थे। तो ये थी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जो पुराने जमाने में हम यूज किया करते थे डेटा ट्रांसफर के लिए। भी सॉफ्टवेयर भी उस जमाने में इसी में आते थे, डिस्क ड्राइव में भी आते थे। तो इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।